माजरे के साथ चमाटा मारा है मुंह पे, 17 साल बाद जो टीम आ रही है और इस कंडीशन में आपको टेस्ट मैच मार के चली गई। सिर्फ 9 रन जोड़े हमने 4 विकेटों के नुकसान पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीते हुए मैच हारना कोई हमसे सीखे, हमारी तो फितरत में लिख दिया गया है कि हमने जीते हुए मैच हारने मत। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। ना मैच जितवाने का तो नहीं कह रहे थे, ड्रॉ ही कर देते तुम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट बैट स्पोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया टेस्ट मैच के आज आखिरी 5वें दिन में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरह हराकर पहले टेस्ट अपने नाम की। दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तान ने बहुत गुस्से में वो बाबर आजम और रमेश राजा को लताड़ रहे। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहते हैं जानते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देख लिया सबने अप्रोच क्या होती है, ये होती है अप्रोच। और हमारी अप्रोच क्या है, घटिया किस्म की अप्रोच। उसकी वजह यह है क्योंकि इस किस्म की पिचेस बना के हम लोग एक तो अपने लिए सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं जिस तरीके से इन्होंने खेली, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं जी थकी हुई पिचेस बनी है, फलाना बना आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, क्या पिचेस बनते हैं, फलाना पिचेस बनते हैं। हम लोग मुझे ये बताएं, जब पिचेस बनती है क्या कप्तान को पता नहीं होता, ग्राउंडमैन नहीं पूछता जो पिच बनाता है, क्या कोच को नहीं पता होता पिच किस किस्म की बनेगी, सबको पिच का पता होता है। ये ड्रामेबाजी है, ये झूठ बोलते हैं सारे, सबको पता होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम बैटिंग करते हैं सेल्फिश क्रिकेट, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। सिर्फ 9 रन जोड़े हमने 4 विकेटों के नुकसान पे। एक्सपेक्टेशंस थी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सीरियसली, और वाकई एक उम्मीद जागी थी, लेकिन आई मीन कोई हमारे मुल्क में आके हमें ये बताया ना हु इज द बॉस, ये इतनी बुरी फीलिंग होती है कि वाकई आई मीन सीरियसली आई एम रियली हार्ट ब्रोकन। ये आज मैच जो हुआ है, आई रियली विश, छोटी छोटी गलतियां, आपने टीम सिलेक्शन पे आप लाला से बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, एंड देन दिस आई थिंक एक हमें मेरे ख्याल से 100 टेस्ट खिलाने हैं किसी को, वो भी मुझे लग रहा है सीन। बाकी आई रियली होप दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब आए ना लाइन पे, नो गेम रीडिंग, आगा सलमान इसको डोमेस्टिक खिलाएं, ये टेस्ट इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अजहर अली देखे आप, वो ऐसे उछल रहा है जैसे डड्डू मेंढक उछलते हैं पानी में। कैसा लगा मेरा मजाक? माजरे के साथ चमाटा मारा है मुंह पे, 17 साल बाद जो टीम आ रही है और इस कंडीशन में आपको टेस्ट मैच मार के चली गई, और आपके जो बड़े सुपर स्टार स्टार सारे बनते हैं उन्होंने जिस किस्म की क्रिकेट खेली है वो हमें नजर आ गई। ये अप्रोच है भाई, बेन स्टोक स्टोक या इंग्लैंड विंग्लैंड के ये लोग हारने से नहीं डरते भाई, वो टेस्ट मैच जीतने आते हैं, वो टीम जीतने के लिए खेलती है, ठीक है। हमारी क्या करती है, हमारी पर्चियों से फारिग ही नहीं होते ये लोग, हमारी सोच थकी हुई सोच। आपका बैटिंग कोच कहता है, हमारा चेयरमैन कहता है ओ जी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ रहा, आपका बैटिंग कोच कहता है जो भी सिस्टम हम अपने तरीके से खेलेंगे तो खेलो फिर अपने तरीके से, जिस तरीके से 3-3, 2-2 रन की एवरेज से क्रिकेट हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। भाई किसी को शर्म आए ना आए, मुझे तो बहुत शर्म आई है, सीधी बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इसने, आज जरूरत थी तो आज ठुस कर गया, चीं कर गया वहां पे। आज ना मैच जितवाने का तो नहीं कह रहे थे, ड्रॉ ही कर देते तुम, 96 मैच हो गए हैं तुम्हारे। साले का खोपड़ी तोड़ साले। जीते हुए मैच हारना कोई हमसे सीखे, हमारी तो फितरत में लिख दिया गया है कि हमने जीते हुए मैच हारने मत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।